तो सबसे पहले आपको बैटल रॉक्स का ऐप डाउनलोड करना है। गूगल पे बैटल रॉक्स डालिए, यहाँ पे आपको ऐप की लिंक आएगी, ओपन कीजिए। यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है ऐप, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप डाउनलोड करने के बाद ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको लॉगिन या फिर रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। आपको लॉगिन करना है आपके गूगल से, आपका गूगल आईडी सिलेक्ट करना है। ये कुछ ऐप का इंटरफेस होगा आपका स्टार्टिंग का। आपको सबसे पहले करना है मैच सिलेक्ट करना है, तो मैच सिलेक्ट करने के लिए आप बैच में ओपन कीजिए। अपकमिंग मैचेस में आपको दिखेंगे यहाँ पे सोलो, डुओ बैटल, स्क्वाड बैटल, फ्री मैच, जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए। जॉइन नाउ पे क्लिक कीजिए। आपको आपका BGMI का जो एक्चुअल गेम का है आईडी, वो आपको डालना है। मैंने यहाँ पे पहले ही कॉपी करके रखा है, तो मैं वो डालूँगा। ठीक है, आपका कैरेक्टर आईडी आपको पता नहीं है कैसे लेना है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है हाउ टू गेट यूज़र नेम आईडी, उस पर क्लिक करिए। तो कुछ स्क्रीन इस तरीके से आएगी, तो यहाँ पे जो यूज़र नेम और आईडी मेंशन किया है, ये आपको एग्जांपल दिया है, इस तरीके से रहेगा। आपको ये आपके BGMI गेम ओपन करना है प्रोफाइल पर, वहाँ पर दिख जाएगा ये यूज़र नेम और आपका जो कैरेक्टर आईडी है वही आपको डालना है गेम। तो आपको आईडी डालना है यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको ये प्रॉपर आईडी डालना है। अगर ये आप प्रॉपर आईडी नहीं मेंशन करेंगे तो आपको जो रिवॉर्ड्स है वो मिल नहीं सकेंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया मेरा रजिस्टर्ड, ठीक है। अभी मुझे प्लेयर्स ये देखिए, ये अवेलेबल स्लॉट्स यहाँ पे दिखा रहे 88। आपको एक ही टीम के चारों स्लॉट सिलेक्ट करने हैं। अगर आप गलती से दूसरा स्लॉट सिलेक्ट करेंगे तो दिखाई देगा नहीं या फिर सिलेक्ट होगा नहीं। तो आपको प्रॉपर चारों सिलेक्ट करने हैं, जॉइन नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आना है ऐड न्यू प्लेयर। तो ऐड न्यू प्लेयर पे आपके जो भी चारों आईडी है प्लेयर्स के, वो कॉपी करके ऐड कर दीजिएगा। ऐड कर दीजिएगा, ये आपका एक प्लेयर ऐड हो गया। वैसे ही आपको चारों प्लेयर ऐड करने हैं। तो चारों प्लेयर ऐड करने के बाद कुछ स्क्रीन ऐसी दिखेगी, फिर आपको बैक करना है, फिर इसे जॉइन नाउ पे क्लिक करना है। तो आपके प्लेयर से यहाँ पे दिखेंगे, चारों प्लेयर को टिक कीजिए, जॉइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पेमेंट गेटवे का स्क्रीन आएगा, यहाँ पे अभी मेरे ऑलरेडी पैसे एडेड है, इसलिए वो डायरेक्ट जॉइन होगा। लेकिन अगर इसमें ऐड करना है तो ऐड मनी टू वॉलेट करके नीचे लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। ये पेमेंट की पेज आ जाएगी, आपको यहाँ पे पेटीएम UPI दोनों में से किसी भी एक पे सिलेक्ट करिए, अपनी अमाउंट टाइप करिए, ऐड मनी पे क्लिक कीजिए। आपको पेटीएम का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग, जिस तरीके से आपको पेमेंट करना है कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट UPI से पेमेंट करना है, यहाँ पे UPI सिलेक्ट कीजिए, ऐड मनी पे क्लिक कीजिए, फ़ोनपे, जीपे, जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपको एक टिकट मिल जाएगा जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे पूरा मेंशन होके आएगा, एंट्री फी, टाइमिंग, जो भी है। अभी मैच जैसे ही स्टार्ट, आपको आईडी पासवर्ड रूम का 10 मिनट पहले ही मिल जाएगा। तो जैसे ही वो आईडी पासवर्ड आपका होगा, आपको ऑन गोइंग स्क्रीन पे दिखेगा। अभी यहाँ पे ऑन गोइंग है नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए, आपका जो भी आईडी पासवर्ड है यहाँ पे लिख के आएगा, क्लिक हियर फॉर आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करिए। फिर आपको यहाँ के रूम की आईडी और पासवर्ड दिख जाएगी, आप ये फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके स्क्वाड मेंबर्स है। अगर आपको कुछ भी मैच से रिलेटेड इशू होगा, अगर कुछ हैकर मिले तो आपको यहाँ पे सीधा रिपोर्ट करना है। लेकिन याद रखिए, जो भी हैकर आपको मिलेगा
उसका आईडी मेंशन करना ज़रूरी है, वरना हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे उसको। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से ऐप लॉन्च करना है तो आप प्ले नाउ पे क्लिक करके ऐप लॉन्च कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कोई फ्रेंड मैन्युअली ऐड करना है तो यहाँ से भी एक गेम माय गेम फ्रेंड्स करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप उस ऐड की फ्रेंड की डिटेल डाल के ऐड कर सकते हैं।